हाँ जी, ये देख लें गिलास खाली, अभी हम आपको दिखाते हैं कि डीजल कैसे निकालते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसके अंदर से डीजल निकलेगा। ये देखें निकलता हुआ, अभी हम इसको आपको ये गिरा के डीजल, ये देखें डीजल गिरा के आपको खिला के भी दिखाते हैं। ये लगाए थे डीजल, ये देखें, ये अभी आप देख रहे हैं डीजल को आग लगती है। ये अभी हम इसको चला के भी दिखा रहे हैं आपको, ये वाकई ही डीजल है। ये देख, और गिरा डीजल, ये देख चलता हो, ये डीजल हम आपको चला के भी दिखा रहे हैं, जला के भी दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ऐसे नौजवान मौजूद हैं, ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जिनके अंदर टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन हुकूमत की वक्त की सरपरस्ती उनके पास मौजूद नहीं है। इसी हवाले से आज बात करेंगे तरनौर का इलाका जंगी सैदा से ताल्लुक रखने वाले अफसानी सादा अब्दुल जवाद हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कचरे से और उन्होंने तेल, गैस और बिजली का इस्तेमाल मुमकिन बनाया है। कैसे बनाया है, इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। अब्दुल जवाद सर, ने बताइएगा कि आपने कचरे से, आपने तेल और गैस और बिजली के बहरान, जो मौजूदा हुकूमत को बहरान पर काबू पाना नामुमकिन है, आपने उस दर मुबादल, आपने उनको प्लान तैयार करके उससे पेट्रोल और डीजल और बिजली पैदा करने हैं, तो ये कैसे ख्याल आया? बिल्कुल, हम देखें पूरी दुनिया में भी इस वक्त हो रहा है। 3 साल पहले भी मैंने हुकूमत को भी करके दिखा दिया था कि हमें ये जो कचरा, हमें इससे एक परेशान है, इससे हम डीजल भी पैदा कर सकते हैं और बिजली भी पैदा कर सकते हैं। अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगा दी जाए तो हम, मेरे हिसाब से हम बिजली को लागू पा सकते हैं। अच्छा, अब्दुल जवाद सर जी, बताइएगा कि जो आपने प्लान तैयार किया है जिससे तेल, गैस, बिजली पैदा कर रहे हैं, इसमें कितनी लागत आई? इस पर 2 लाख रुपया खर्चा आया है। ये 3 किलो कचरा डालता है, इसमें 1 से 1.25 लीटर डीजल बन रहा है। अच्छा, अब्दुल जवाद सर जी, बताइएगा कि कितने कचरे से कितना पेट्रोल और डीजल आप निकालते हैं? अगर 1 टन कचरा हो तो 700 लीटर बिल्कुल डीजल बन सकता है। तो गैस इससे कितनी निकल सकती है? गैस इसमें देखें अपना 100% में से 65% डीजल होता है, 17% गैस है, 17% पेट्रोल है। आपको इनके कैसे आइडिया लाया कि आप कचरे से आप ये चीज़ें आप निकाल सकें? देखेंगे, मैंने 3 साल पहले भी किया था और मैंने दिखाया भी था कि आप ये निकाल सकते हैं, मैंने ये नेट से सारा एक्सपेरिमेंट किया। तो अब मौजूदा इनमें आपको किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ा? अपनी अभी तक तो मुझे कोई मुश्किल नहीं मिला, क्योंकि ये हुकूमत से बाहर हुई थी, उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अगर मौजूदा हुकूमत आपकी सरपरस्ती करे तो आप इसके मुतबादल आप क्या पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं? हम इसके मुतबादल के हम पानी से भी बिजली पैदा करके दे सकते हैं, हम कचरे से भी बिजली पैदा करके दे सकते हैं। पानी से कितनी, पानी के मिकदार से आप बिजली? देखिए, 6 इंच का पानी बिजली से हम 15 से 20 किलोवाट बिजली पैदा करते हैं। तो मौजूदा हुकूमत जो है इस वक्त जो है पेट्रोल, डीजल और गैस के बहरान पर काबू नहीं पा सकती है, रोज़ बरोज़ आप देख रहे हैं खबरें चल रही हैं, तो हुकूमत के वक्त को क्या पैगाम देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इस कचरे से काबू पाए, इसकी फैक्ट्रियाँ लगाएं, इससे बिजली और डीजल पैदा करें। अच्छा, आपके लिए अब्दुल जवाद सर जी, बताइएगा कि इससे खबर भी आपने किसी मुल्क में ये प्लान तैयार किए हैं जो आपकी हाथों से बने हैं, वहाँ चल रहे हैं? नहीं, मैंने अपने पाकिस्तान में ये पहला प्लान किया था उस वक्त, उसके बाद मुझे हुकूमत ने मुझे परेशान किया थोड़ा सा, तो उसके बाद मैं बलोचिस्तान चला गया था, दोबारा काम अभी बड़ा प्लान बना देगा। आप मौजूदा यहाँ के जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद की शहरी हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? बस यही है कि मैं तो यही कहूँगा कि अपने जिसके अगर हुकूमत नहीं देती है तो आसार, तो आप लोग अपने अपने छोटे छोटे प्लांट लगाएं और अपने अपने घर में अपना डीजल भी पूरा करें। नाजरीन, जैसा कि आपने 40 साल अब्दुल जवाद की बात सुनी, इनका यही कहना है कि अगर हुकूमत वक्त की सरपरस्ती मेरे साथ होती तो मैं पाकिस्तान के लिए जिस तरह बैरूनी मुल्क में लोग जो है कचरे के इस्तेमाल से गैस, पेट्रोल, डीजल और बिजली की को मुमकिन बना रहे हैं, तो मैं पाकिस्तान के लिए भी काम करना चाहता हूँ।